टाइम हो रहा है 8:25, लगभग 8:30 होने वाले हैं। क्यों? वो कहते दौड़ने जाएंगे, टहलने जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, बस हवा निकल गई। हमको बोल रहे थे, क्या कहना चाहोगे? पकड़े गए पुराने स्टाइल। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वैसे उठा तो मैं भी नहीं था, लेकिन अब अपनी गलती को मानने का। और सबसे बड़ी बात, आज मंगलवार है, आज हनुमान जी का वार है, और आज मेरा व्रत भी है। मैं मंगलवार का व्रत रखता हूँ, मतलब कुछ टाइम से रख रहा हूँ, तो दिखा देता हूँ। ये है मेरा सुबह का, ये मखाने और मूँगफली। और जैसे मैंने बताया था कि व्रत में हम लोग के यहाँ जब कोई व्रत रहता है, मम्मी को मैंने बताया होगा, तो चाय ग्लास में आती है। तो ग्लास में चाय आ चुकी है, तो चलिए अभी व्रत का अपना करते हैं, बाकी आगे देखते हैं जो होता है, जैसा बताते हैं। कितने बजे ऑफिस जाना है? 10:30। 10:30 सब लोग देख लीजिए, 9:30 हो रहा है, ठीक है, 10:30 बजे जाना है ना, ठीक है। अच्छा ये बताओ, दिन हो या रात को, सुबह हो शाम, तुम हमेशा पढ़े क्यों रहते हो? इसे क्या कर, स्फूर्ति का राज क्या है इसका बताओ? तो स्फूर्ति का राज बताओ, अपने लोगों को बताओ, लोग भी ऐसे एंजॉय करें। मेहनत करते हैं, मेहनत यही स्फूर्ति का राज है। सुबह शाम दिन रात ऐसे ही है, तौलिए में और बनियान में। जब खाना खाओ, मैं बुला रहे, दवा खाओगे ना? दवा खाना ना, दवा जाओ, गाना बाद में सुनना, ब्लॉग देखो मेरे घर ही के, लोग ब्लॉग में देखते हैं। हद है। आज बिट्टू से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखते हैं जवाब दे पाता है कि नहीं। ठीक है टू, तैयार हो? अच्छा ये बताओ, अगर अफ्रीका में कोई बच्चा जन्म लेगा तो उसका दांत का कलर क्या होगा? सफेद। अफ्रीका में बच्चा जो जन्म लेगा उसका दांत का कलर सफेद होगा। तो तो आप लोग अगर पता हो तो आप लोग जवाब कमेंट में लिखिएगा, बाकी मैं इसको बता दूंगा क्या होगा। ये तो पहले क्वेश्चन ये अलग लाड में आ रहा। ये तो ये कि बिट्टू से क्वेश्चन पूछे है ना, आप ये पूछ रहे, फिर बिट्टू ने जवाब दे दिया जो दे दिया। अब आप बताइए, अगर अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में है ना, कोई बच्चा अगर पैदा होगा तो उसके दांत कलर क्या होगा? बताइए बताइए बताइए। दांत के कलर, हाँ, अगर कोई बच्चा पैदा होगा हाँ, बाहर विदेशों में, उसके दांत कलर क्या होगा? अमीर जैसे होगा ना, पक्का? क्या होगा, मतलब कलर क्या हो सकता है? सफेद, काला, तब भी सफेद होगा। सफेद होगा, ठीक है। मम्मी ने भी जवाब दे दिया। अब आप लोग भी जवाब दे दें, दोनों लोग माँ बेटे के जवाब आ चुका है। 10:30 जाने वाला था ना, अब कितने बज रहे हैं? 11। देखिए कहाँ पे, क्यों मैं भाई तकिया है भैया, इधर सब फेंक देते हो। ये गीला है ना तौलिया? नहीं, पूछे किससे? फिर दो है मेरे पास। ओ 10:30 जा रहे थे तुम तो? मैं जानता था तुम पकड़े जाओगे इसे। भैया बढ़ते बढ़ते लग गई भूख, मगर आज है मंगलवार, आज है मेरा व्रत। मैंने बताया था जैसे पहले, खाना मैं खा नहीं सकता कुछ, तो सबसे बढ़िया भैया, सबसे बढ़िया सस्ता टिकाऊ, पेट ही भर जाएगा। शाम जैसे जैसे बढ़ी, जैसे मेरी तबीयत थोड़ी नासाज हो गई, नासाज मतलब मसाज, मसाज वही मतलब, थोड़ी खराब हो गई। और चलते हैं दवा ले लेते हैं, फिर दवा लेने के आने के बाद मैं दिखाता हूँ आपको अपने बचपन की चीज़ जो मेरी फेवरेट थी बचपन से, अभी भी मेरी फेवरेट है, काफ़ी मैं जल्दी बोल के रखता है। जुकाम खराब की दवा लेने आ गए, तो मैं अभी दवा लेके आ गया, तो मुझे याद आया कि मेरा व्रत है, दवा तो मैं अभी खा नहीं सकता, तो कल सुबह ही खाऊंगा। बाकी मैं दिखाता हूँ जो बचपन में मेरा फेवरेट था, अभी भी है। हाँ भाई, तो फिर जो मैंने बताया कि बचपन मेरा फेवरेट था वो रहा ये बल्ला। ये इसलिए मेरा फेवरेट था क्योंकि एक्चुअली मैं जब छोटा था स्कूल में, तो जब मैं मतलब फाइनल एग्ज़ाम होते ना, तो जब मैं फर्स्ट आता था या सेकंड आता था, मतलब अच्छा रिजल्ट मेरा आता था, तो मैं अपने पापा से कुछ ना कुछ खरीदवाता था कि ये खरीदिए वो खरीदिए, तो कभी कैरम बोर्ड खरीदा, कभी कुछ खरीदा। तो अभी ये बल्ला था, ये है 7th क्लास में, मुझे याद अभी भी 7th क्लास में मैं फर्स्ट आया था फाइनल में, तो मुझे लगा था MRF का बल्ला। तो MRF का बल्ला लेने गए थे हम पापा, तो महंगा था, तो मैंने ये देखा, इस पर लिखा था मेरा नाम MRF का। हाँ इसलिए लेना था क्योंकि उस समय सचिन तेंदुलकर जो थे वो खेलते थे, MRF का बल्ला बहुत फेवरेट है लोगों का, MRF चलता था कि सबको MRF लेना है, मुझे भी MRF का बल्ला लेना था।
बस पता चला कि वो तो स्टिकर होता है बाकी तो, लेकिन ठीक है उस समय क्रेज था बहुत, अभी भी बहुत लोग में हो गई, अब तो विराट कोहली खेल रहे हैं। हाँ वो बात अलग होगी, ये बात बताता हूँ। तो ये जो बल्ला है ये मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मेरा जो घर का नाम वो है विक्की, इस बल्ले पर लिखा था विक्की यहाँ पे, अब तो मिट गया है, तो इसलिए मैंने लिया था कि मैं अपने नाम का बल्ला लूँगा। तो तब से मैं एक बल्ले से खेलता था, जहाँ भी जाता था इसी से खेलता था। अब तो काफ़ी इसकी हालत ख़राब हो गई है, देख रहा है बंधवा दिया सही से, इधर भी हो गया है, हत्था निकल गया था इसका, हत्था कहते ना ये, जो लोग कंधों जानती होंगे, तो इसको भी बनवाया। बाकी अभी तक ये रखा हुआ है, 7th class का था, अभी तक रखा हुआ है मेरा। अभी तो खेलना होता नहीं कहीं, लेकिन अगर कहीं खेलना होगा अभी भी तो मैं इसी से खेलूँगा। अब बहुत छोटा लगता है उठाने में, लेकिन मेरा फेवरेट आई है, बचपन की मेरी निशानी है और अभी तक है मेरे साथ और हमेशा रहेगी। तो भाई वो थी मेरी यादें, मतलब बचपन की यादें, हमेशा मतलब अच्छा लगता है जब वो बल्ला देखते हैं। तो अगर आपकी भी कुछ यादें ऐसे ही हों तो कमेंट करिएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा कि और लोगों को भी है क्या है, मतलब पढ़ के अच्छा लगता है। जैसे हो सकता है शायद आपको अच्छा लगा हो, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब बल्ला मैं देखता हूँ। तो अगर आपकी भी कोई ऐसी मेमोरीज हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। तो टाइम हो रहा 9:45 और बिट्टू आ चुका है घर पे खाना खाने के बाद। ये अबे ये चींटियाँ लगी थी इसमें खार, पता नहीं क्या इसको धूप में रखा गया था, लेकिन अभी हम फिर रखना भूल गए, रखे तो चींटियाँ लग गई थी फिर अगले दिन रखना भूल गए, तुम खा रहे हो भाई। अभी ये हम यहाँ टाइपिंग कर रहे थे तो हमने देखा, फिर अभी अब खाओ नहीं, सही था रहा है, याग नहीं कर रहे, दिखेगी थोड़ा ना सही था, थाली निकालो तो दिखेगी। उसको धूप में रखना था लेकिन हम रखना भूल गए, रखे थे एक बार धूप में तो चींटियाँ लग गई, फिर रखना था, रखना भूल गए। क्या चल रहा, मजाक नहीं था, सही था। ये खाना खा चुके था ना, मेरा तो व्रत है, तब भी ठीक है, दवा खा लेना फिर से, बैठ जाना ना पास, चाय पी, चाय नहीं ऐसे टहलने चलते हैं। टहलिंग नहीं, टहलिंग नहीं, तो भी चाय कैसे पियोगे? बाइक से। बाइक से कहाँ है, कहाँ जा रहे हो? चाय पीने जा रहे हैं ना, तुम पियोगे, हम पियेंगे नहीं, सुबह तो चाय ही पी रहे हैं व्रत में रात। अच्छा हाँ, तो वहाँ तो फास्ट ना वो लग रहा है, किसी दिन उसमें कॉपीराइट लाई के मानोगे। आ रही है, आई रही है, और इधर ले लो अपना भी ले लो, ऐसे ऐसे अपना लोग है यार, फ्रंट कैमरा ऑन कर लिया। तो भाई साहब बिना चाय पिए मेरा दिन खत्म नहीं होता है, रात मतलब पूरा दिन। हाँ तो इसलिए एक चाय तो बनती है, चाय बनती है, बस हम नहीं पियेंगे। तुम नहीं पियोगे क्यों? व्रत है, बता दो ना, सुबह से चाय पी रहे हैं यार, मन नहीं कर रहा है, हम लोग तबियत भी वैसी है। और भाई मेरा तो चाय बनता है, मैं दे रहा कितना आ गया यार। हाँ आई एम अ राइडर प्रोवाइडर, सामने देखो डिवाइडर। और ये भाई साहब कितना अंधेरा यार, घुप अंधेरा घुप, गुम नाम है कोई। तो आज चाय कहीं मिला नहीं, सब जगह ढूंढ लिया, वो दुकानें बंद थी, तो अब जा रहे वापस बंगला बाजार होते हुए घर हम लोग। आज का दिन ही खराब है। तो हम दोनों आ गए घर, अभी भी चाय भी इनको मिली नहीं, जहाँ चाय हम लोग पीते हैं वो बंद था, फिर सोचा कि आगे पी ले, एक और जगह पीते हैं, वो बहुत पहले पीते थे तो वहाँ गए तो वो था नहीं, चाय थी लेकिन वो नहीं था, तो हम लोगों ने चाय वहाँ पी ही नहीं। फिर ये होती है लॉयल्टी हम लोग की, क्यों